किसके साथ? कहाँ बाहर? चलो बताओ आप क्या गया था पार्टी में? इतनी सारी चीजें। और अब्दुल वहाब आपका बताओ, सही से बताओ। केक और लेस, बस तीन चीजें। तुम्हारा ग्रुप था ना? अच्छा, ग्रुप में ये पांच लोग होंगे ना, इसकी पूरी क्लास थी इसीलिए इतनी सारी चीजें। छह बच्चे थे उसमें, तीन और उसमें फांटा और ड्यू। अच्छा चलो, पार्टी हो गई, अब छुट्टियां हो गई, खत्म। अब पढ़ना है, अब पढ़ना है। क्यों, टीचर होगी नहीं हुई? वो अब 9 बजे से 12 बजे तक करेंगे। अच्छा, टीचर्स काम करेगी। सही है। तो देख सकते हैं आप लोगों ने, वो आप लोगों ने कह रही हूँ, लाइबा ने बता दिया पार्टी में क्या था, अब्दुल वहाब ने भी बता दिया पार्टी में क्या था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाऊँगी। लेकिन ठीक ना होने के बावजूद भी देखें, इतने सारे कपड़े, ये आपको कम नज़र आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, क्योंकि पूरे एक महीने से पानी का मसला चल रहा था। आज मैंने हिम्मत करके जो है कपड़े धो लिए, हिम्मत करके। ये देखें इतने सारे कपड़े हैं, ये बच्चों के बाबा के कपड़े हैं, और सारे उन्हीं के कपड़े हैं सबसे ज़्यादा ना, देख सकते हैं आप, सारे उनके कपड़े हैं। पूरी चार रस्सियाँ उनके कपड़ों से भर गई हैं, और अनाबिया के कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। मेरा ये दो जोड़े हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से जो है ना खुद से धो रही थी कपड़े। अब्दुल वहाब की पैंटें बहुत सारी हैं, तो बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे कल मैंने पूरा घर धोया था रात में, आप लोग को बताया था कि अब मैं जो है पोछा, अभी ये चादरें रहती हैं, चार चादरें, अब मैं सोच रही हूँ इनको नहीं धोऊँ, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो चलें मैं कपड़े धोती हूँ वहाँ पर, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। और उससे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी आज मैंने खाने में क्या बनाया है। अभी अधूरा है, जैसे मैंने कहा पानी ख़त्म ना हो जाए, बर्तन धो लिए थे, मैंने चावल बना दिए, ये देखें। और आज मैंने बहुत दिनों बाद जो है, वैसे तो दाल बनती रहती है, लेकिन काली दाल बहुत दिन बाद बनाई है। ये कहेंगे आप पानी दिखा रही हो, तो ये पानी नहीं है, दाल बनी हुई है, लेकिन इसमें तड़का नहीं लगा, और इमली भी नहीं थी घर में। काफ़ी सामान है जो ख़त्म हो चुका है घर में, तो देखें कब आता है क्या पकता है। आज तो दाल बन गई है, कल देखते हैं हम क्या पकता है हमारे यहाँ। तो चलो फिर मैं कपड़े धोने जाती हूँ, और फिर आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, और फिर बात करते हैं। बस बहुत देर हो गई कपड़े धोते धोते, तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, मेरी जहर की नमाज़ भी निकल गई, अब मैं कज़ा पढ़ने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे कपड़े धुल गए हैं, और अनाबिया बहुत तंग कर रही हैं। अब मैं उसको देखूँ नमाज़ पढ़ के, बस 5 मिनट, और डालने की भी जगह नहीं है, इतने सारे कपड़े थे। आप ये देखें पूरी बाल्टी यहाँ पड़ी हुई है, सब बाहर सारे डल गए, और वो घर से बाहर भी डले इतने सारे कपड़े, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी वॉशरूम में देखें, ये पानी निकल रहा है, इतने सारे नल पे भी है। तो और मैं दिखाती हूँ आपको, रुचि जो बाहर डले हुए कपड़े। तो बस फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, जानमाज़ भी मेरे हाथ में, और कज़ा पढ़ के मैं जल्दी से अनाबिया को देखती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो नाश्ता दिखाना ही भूल गई, ये मैंने सुबह नाश्ता किया, बच्चे गए हुए थे स्कूल, स्कूल का लास्ट डे है, वैसे ही आपको पता है वेकेशन, समर वेकेशन हो गए, तो लास्ट डे था, तो वो लोग वहाँ गए थे, तो मैंने ये आधा पराठा मुझसे खाया गया, नाश्ता खाना कुछ भी नहीं खाया जा रहा। और यहाँ पे ब्लैक पेपर नहीं थी अंडे में डालने के लिए, तो इसलिए ऐसी नमक डाल के बस अंडा खा रहे हैं। तो यहाँ मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ते के बाद जो जो मेरे काम हैं, कपड़ा धो रही हूँ, आप लोग को पता है मैंने वो ना एडिट करते हुए इधर उधर कर दी वीडियो,
तो जो है इसलिए पहले मैंने नाश्ता किया है, नाश्ते के बाद मैंने कपड़े धोने के स्टार्ट करे हैं, स्टार्ट करने के बाद फिर वो जैसे जैसे टाइम मिला तो नमाज वगैरह सब कुछ अदा करी है अपनी, और इसी तरह सारा दिन निकल जाता है, समझ नहीं आता क्या करें और थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता। एक तो इतना घर में बैठ बैठ के ना दिमाग ख़राब होता है कि बस। तो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो है कपड़े धोने के बाद मुझे लगी थी भूख, तो फिर अब्दुल वहाब जो है मेरे लिए समोसा और नमक पारे ले आए थे कि आप मम्मा आप ये खा लें, तो उसी ने मुझे चाय दी सब दिया और मैं यहाँ बैठी थी नमाज पढ़ने, और नमाज़ पढ़ के अनाबिया को ली हुई थी तो वो मेरे लिए चाय और वो ले आया। तो फिर जो है ना ये मैं खा ही रही थी, उसके आधे एक घंटे बाद ही मेरी बहन आ गई कड़ी और कबाब लेके, तो बहुत खुशी हुई। कड़ी तो इंसान है ऐसी चीज़ें इतनी बनाओ और वो फिर बांटते हैं तो मज़ा आता है, मम्मी भी यही करती थी, कड़ी बनाती थी हर जगह देती थी, तो अच्छी थी बहुत मज़े की। आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो। हाँ ये है कि मैं फिर से उसने कुछ भी मैं उसको लिए नहीं कर सकी, सिर्फ एक चाय पिलाई मैंने और मगरिब के टाइम मगरिब से थोड़ी देर पहले आई है, तो अब देखें इंशाल्लाह आएगी तो किसी दिन फिर उसको कुछ ना कुछ खिलाएंगे। वो ऐसे ही चली गई, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, और अचानक आई वो बगैर बताए, तो मैंने तो मशीन लगाई हुई थी, उसके बाद मैंने दाल चावल भी ऊपर से बनाए हुए थे और वो भी तड़का भी नहीं लगा हुआ था, तो कह दी मैं खा के आई हूँ। मैं यहाँ कपड़े वगैरह धोने के बाद यहाँ बैठी हुई थी तो बच्चे जो हैं कार्ड बना रहे थे, अभी अब्दुल वहाब जाके जो है मार्कर कलर्स वगैरह लेकर आया और कार्ड शीट लेकर आया। मैंने इन लोगों से पूछा, अच्छा मैंने वॉइस ओवर करी, मैंने पहले वॉइस थी इसमें अपनी, तो अब मैंने वॉइस ओवर करी, मैंने बच्चों से पूछा क्या कर रहे हो, तो कह रहे बाबा के लिए कार्ड बना रहे। मैंने कहा क्या कैसा कार्ड, कह रहे फादर्स डे पे। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे फादर अच्छे हैं, तो कह रहे हैं हाँ अच्छे हैं, तो इसलिए इन लोगों के दाद निकल रहे थे, तो बच्चों के लिए तो इनके फादर अच्छे ही होंगे ना। तो खैर और यहाँ पे वो लोग कार्ड्स बना रहे थे, मैंने कहा चलो इसी एक्टिविटी में इनको लगे रहने हैं, तो वैसे भी अब पढ़ाई शुरू करनी है, इतना एक तो अब्दुल वहाब सिक्स क्लास में माशाल्लाह से आ गए और इतना काफ़ी काम इनका जो है जमा है, यानी मिला है वेकेशन वर्क मिला है इनको, और लाइबा अभी फोर्थ क्लास में आ गई है तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मुन्नी तंग कर रही थी, बहुत आवाज़ें निकाली थी करके, तो वो कह रही थी सुलाओ, मैंने इससे बोला कि बस मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ असर की, फिर मैं आपको सुलाऊंगी, तो मैं इससे बात ही कर रही थी, वो मिस हो गई बस वॉइस मुझसे ना, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें ना इधर उधर वो वाली वीडियो हो गई, फिर कभी वॉइस ओवर, कभी कुछ मसला, कभी कुछ मसला, बस दुआ करें जल्दी से मेरे पास कुछ पैसे आए तो फिर मैं एक लैपटॉप लूँ, तो लैपटॉप में ये होगा कि वहाँ उसे एडिटिंग करी और फिर आसानी से जो है मोबाइल में अपलोड कर दिया, तो मुझे काफ़ी बहुत ज़रूरत है एक लैपटॉप की, तो मैं लैपटॉप ले लूँ बस जल्दी से। और यहाँ पे ये लोग जो है अपना मोबाइल में देख के कार्ड बना रहे हैं, तो फिर जब इनका कार्ड बन जाएगा तो देखें मैं दिखाती हूँ, कि नहीं दिखा सकती हैं तो आगे ही बताएंगे हम आपको। और यहाँ कलर वगैरह लिया, और आज मैं जो है ना अनाबिया के साथ जो है सुबह मैं गई, वो मैं दिखा नहीं सकी वीडियो क्योंकि अकेली थी, अनाबिया और मैं थे, तो मुझे एक फॉर्म फिल करना था वहाँ पे ना, तो अनाबिया इतना तंग कर रही, इतना तंग कर रही, तो वहाँ पे जो एक थी मैडम जो थी ना, उन्होंने इसको लिया, कहने लगी कितने महीने की, मैंने कहा ढाई महीने, कह रही सो जाओ तुम सो जाओ, ये चीखे मारे, इतनी आवाज़ वहाँ गूंज रही इसकी, अभी चीखे अभी चीखे मारे, जैसे आवाज़ें निकालती है ना, आप लोगों को बताएं ये कैसी आवाज़ें निकालती है राबिया, तो मुझे इतना सारा संभल ही नहीं रही। फिर जैसे ही वो फॉर्म फिल हुआ है फिर मैं जल्दी से आई हूँ, फिर इसको घर पे वॉश वगैरह करवाया और फिर इनको सुलाया है, फिर जाके ये सोई है, फिर ये उठी है, हाँ फिर बीच में उठी थी स्कूल से आए बच्चे तब उठी थी, फिर उसके बाद सोइए, तो फिर मेरे कपड़े वपड़े धुल गए, फिर असर में आप लोग ने देखा होगा वीडियो में, तो जब उठी थी ठीक है। और फिर जो है मैंने तो बताया था मेरी सिस्टर आ गई थी, तो ये देखें सिस्टर जो है मुझे कबाब लेकर आई मेरे लिए, मेरी बहन छोटी जो बहन है ना वो भी ब्लॉगिंग करती है, और यहाँ पे वो लेकर आई कड़ी, तो ये देख सकते हैं
कढ़ी भी मज़े की लग रही है, अब खाएंगे तो बताएंगे आपको, रिव्यू देंगे कढ़ी में। एक तो खोल ही नहीं रहा, आप लोग को पता है एक आदमी मोबाइल है, एक ये देखें पकौड़े कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। और कबाब मैं रख दूँगी, नाश्ते में खाएंगे फिर दिखाएंगे। यहाँ पे किचन भी साफ़ सुथरा हो गया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है सब कुछ हो गया। और यहाँ मैंने दाल में तड़का लगा दिया, और यहाँ जो सिस्टर वो लेके गई थी मेरी बहन छोटी, कढ़ी वो भी गर्म हो गई है और चावल भी गर्म हो गए पूरे। और मैंने कपड़े सारे धो के जो डाले थे वो रस्सी पे डाल दिया। मैं ईशा की नमाज पढ़ने जा रही हूँ, ईशा की अजान हो गई, देख लें कपड़े धोते धोते टाइम ही नहीं पता चला इतने कपड़े थे। ये देख रहे हैं पूरी गैलरी भरी हुई, मैं आपको दिखाऊँ बाहर कहाँ से, ये देखें पूरी रस्सियाँ भरी हुई हैं, ये गैलरी भरी हुई है। उस तरफ जाएंगे आप तो वो भी पूरा वो सब भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और ये लोग अभी तक अपने ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे, और अनाबिया उस कमरे में है, देख सकते हैं अनाबिया भी सो रही है। और मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कढ़ी और चावल, मैंने रोटी नहीं बनाई, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी रोटी वोटी बनाने की, और इतने सारे चावल बनाए थे तो रोटी की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे जो है मैं कढ़ी से खा रही हूँ, बच्चे कहने लगे दाल नहीं खा रही, हाँ मैंने कहा दाल भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अब आ गया पार्टी का टाइम, यानी नेक्स्ट डे ट्यूसडे आज का अपलोड जो होगा। तो ये मैं बना रही हूँ लाइबा के बाल माशाल्लाह से, उसकी पार्टी में जा रही हूँ, क्या कहते हैं ये मैं फ्रेंच बांध रही हूँ आगे से, मुझे इतना नहीं आता ना ये सब कुछ करना तैयार करना, सादगी से मैं रहती हूँ थोड़ा खुद भी और बच्चों को भी सादे ही रखती हूँ, इतना ज़्यादा हम लोग तैयार वगैरह नहीं होते हैं। कहीं चले गए शादी में या फिर पार्टी में तो तैयार हो गई, देखें लाइबा तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से आज बहुत प्यारी लग रही हैं। सिंपल सा तैयार हो करो बच्चों को तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखो शूज़ पहन लिए इन्होंने, ये पुराने शूज़ पहन रही थी, कह रही मम्मा मैं यही पहन रही हूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं पहन लो जो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ मैंने इसको तैयार कर दिया था, ये देखें इसके बाल देखें इतने प्यारे लग रहे हैं। ये कह रही थी बाल खोल दे, मैंने कहा बहुत गर्मी है लाइबा ऐसी जाओ, तो कह रही अच्छा चलें सही। और अब्दुलवाहाब ने शलवार कमीज ईद वाला वेयर किया था, तो ये लोग अब जा रहे हैं पार्टी में, एक कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा है और एक जो है लेस लेके जा रही है, जो जो मंगवाया है स्कूल में वही लेके जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ अच्छा सा लाइक करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट अच्छे से करेगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।